नाभि में लगा लो यह चीज, आपके सफेद हो रहे बाल हो जाएंगे काले। दोस्तों, अब इसमें सोचने की बात है कि आखिर कोई चीज नाभि में लगाने से आपके बाल काले कैसे हो सकते हैं। बाल तो सिर पर होते हैं, तो नाभि से इसका क्या कनेक्शन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई माता बहन कंसीव होती है, अगर बच्चा पेट में आता है तो उसे पोषक तत्व कहां से मिलते हैं, क्योंकि वो खा तो सकता नहीं। तो दोस्तों, उसे जितने भी पोषक तत्व माँ के पेट से मिलते हैं वो हमारी नाभि के द्वारा ही मिलते हैं। हमारी नाभि से मेडिकल कोड के द्वारा जुड़ी रहती है, जिससे हर माता का जो भी पोषक तत्व खाती है वो ब्लड के द्वारा न्यूट्रिशन बनकर बच्चे के शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो इस बात से यह बात बिल्कुल साफ सिद्ध होती है कि हमारी जो नाभि है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जो लोग ध्यान मुद्रा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उन्हें भली भांति पता है कि नाभि पर किस तरीके से ध्यान केंद्रित किया जाता है और उसमें नाभि पे ध्यान केंद्रित करना कितना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो चीज आपको आज बताने जा रहा हूं, अगर आप ये नाभि में लगाते हैं तो इसका असर सीधा आपके बालों पर पड़ेगा। आप सब तो जानते हैं कि बाल सफेद होने की कोई उम्र नहीं रह गई है। आजकल 20 से 25 साल में ही बाल सफेद होने लग जाते हैं। इसका कारण पॉल्यूशन लगा लो या हमारा खान पान लगा लो, और इसके चलते हम दुनिया भर की महंगी महंगी डाई और इस प्रकार के प्रयोग करते हैं जिससे हम अपने बालों से भी हाथ धो सकते हैं, यानी हम गंजेपन तक का सामना करना पड़ सकता है। तो आप उसकी वजह क्यों ना मेरी बताई हुई चीज इस्तेमाल करें। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देसी घी की। दोस्तों, आप जो देसी घी लगाएंगे वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपके आसपास में किसी के पास गाय है और वह आप गाय का घी लगाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा आपके बालों के लिए, साथ ही आपकी स्किन के लिए भी। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि उनका चेहरा मुरझाया रहता है, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं अगर आप रोज़ाना घी का इस्तेमाल नाभि में करते हैं, तो आपको वो चीज़ें भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको शुद्ध देसी घी नहीं मिलता तो आप नारियल का तेल या सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको देसी घी अगर मिले तो आप उसी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, हमारी नाभि से 70,000 से ज़्यादा नाड़ियाँ हमारे शरीर से जुड़ी होती हैं, जो हमारे पूरे शरीर पर नाभि में कोई भी चीज़ लगाने से काफ़ी असर पड़ता है। अगर आपके होठ फटे हुए हैं या फिर आपके होठ काले पड़े हैं तो भी आप बिल्कुल गुलाबी और नरम हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसे लगाने का तरीका जान लेते हैं। आपको एक चम्मच देसी घी लेना है और इसे हल्का सा गुनगुना गर्म कर लेना है। अब आपको लेट जाना है और अपनी नाभि में इसे एक चम्मच घी को भर लेना है। जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना है, आपको बिल्कुल लेवल में सीधे लेटे रहना है। आप इसे एक चम्मच घी को 10 से 15 मिनट में आपके अंदर चला जाएगा। आपको ऐसा रोजाना नहीं करना, आपको ऐसा ऑल्टरनेट डेज पर करना है। एक सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आपके चेहरे पर अलग ही चमक आ जाएगी, आपके होंठ बिल्कुल सॉफ्ट रहने लग जाएंगे। हाँ, बाल काले होने में थोड़ा समय लगेगा, लगभग 2 से 3 महीने में आपको इसका रिजल्ट देखने लग जाएगा और आप इस रिजल्ट को देखकर हैरान भी हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रक्रिया को करने का सही समय रात में सोने से पहले है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।